देश का सबसे चर्चित और उलझा हुआ आरुषि हत्याकांड एक बार फिर से जिंदा हो गया है, जिसने 8 साल पुराने इस हत्याकांड को और भी ज्यादा उलझा दिया है। आरुषि हत्याकांड में डॉक्टर राजेश तलवार के कंपाउंडर कृष्णा के नार्को टेस्ट का दरअसल एक वीडियो सामने आ गया है। यूट्यूब पर 22 अक्टूबर को इसे अपलोड किया गया। ये वीडियो 58 मिनट 55 सेकेंड का और कथित तौर पर इस वीडियो में राजेश तलवार के कंपाउंडर कृष्णा के नार्को टेस्ट को दिखाया गया है। आपको हम ये बता दें कि सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक अरुण कुमार की टीम ने कृष्णा समेत उन सभी नौकरों का नाको टेस्ट करवाया था जिन पर हत्याकांड में शामिल होने का शक था। हालांकि सीबीआई किसी भी नौकर के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से अदालत ने सभी को निर्दोष करार दिया था। अब कथित तौर पर कृष्णा के नाको टेस्ट का वीडियो लीक हो जाने के बाद सीबीआई पर भी उंगलियां उठ रही हैं। जो वीडियो लीक हुआ है, जैसा कि लगातार आपको बता रहे हैं, करीब 58 मिनट 55 सेकेंड इसकी ड्यूरेशन, और ये वीडियो है सीबीआई ने जो किया था कृष्णा के नाको टेस्ट को, उसी का ये वीडियो 45 मिनट उसकी ड्यूरेशन है। और सीबीआई अब तक इस बात से अनजान है कि इस वीडियो के साथ दरअसल छेड़छाड़ किसने की है और इसको इंटरनेट पर अपलोड किसने किया है। हालांकि सीबीआई में सोर्सेज ये कह रहे हैं कि यूट्यूब पर पोस्ट किया गया वीडियो वास्तविक यानी सही लग रहा है। इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा दरअसल वो है जिसमें कृष्णा आरोप लगा रहा है कि सीबीआई के आईजी साहब ने कहा था कि वो हत्या का गुनाह अपने सिर पर ले ले, और इसीलिए कहीं ना कहीं सीबीआई इस पूरे मामले पर कटघरे में खड़ी दिख रही है। तो चलिए आपको बताते हैं, आरुषि हेमराज मर्डर केस का छोटा सा रिवीजन आपके लिए करना बहुत जरूरी है ताकि आप ये समझ पाए कि नार्को टेस्ट में कृष्णा के खुलासों का दरअसल मतलब क्या है। तो 16 मई 2008 को नोएडा में रहने वाले डॉक्टर राजेश तलवार की 14 साल की बेटी आरुषि और उनके घरेलू नौकर हेमराज की हत्या कर दी गई। आरुषि का शव उसके कमरे में मिला, हेमराज का शव छत से मिला। 23 मई 2008 को इस मामले में आरुषि के पिता राजेश तलवार को गिरफ्तार किया गया। जून 2008 में इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई। जून 2008 में सीबीआई ने डॉक्टर राजेश तलवार के कंपाउंडर कृष्णा और दो अन्य नौकरों का नाको टेस्ट करवाया। जुलाई 2008 में राजेश तलवार को जमानत पर रिहा किया गया। सितंबर 2008 में सबूतों के अभाव में कृष्णा और दो नौकरों को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया। 9 फरवरी 2009 को तलवार दंपत्ति पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। दिसंबर 2010 सीबीआई ने अदालत को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी। 6 जनवरी 2012 हाई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। नवंबर 2013 नुपुर और राजेश तलवार को अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या का दोषी करार दिया गया। और आपको बता दें, इस समय तलवार दंपत्ति उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो यानी तमाम दलीलों और गवाहों के बयान के आधार पर डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार कानून की निगाह में आरुषि और हेमराज की हत्या के दोषी साबित हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद आरुषि हेमराज मर्डर केस में नया मोड़ आने का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टर तलवार के कंपाउंडर कृष्णा के 8 साल पुराने इस नाको टेस्ट के कथित वीडियो ने सीबीआई जांच पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। मैम ठीक है, अगर आप मैं इनोसेंट नहीं हूँ, मेरे को आप बेधड़क आप मेरे को मारो पीटो या गोली से मार दो या इन लोग कर लो, मैं ये चाहता हूँ मैं, ठीक है मैम। पर मैंने उस दिन मैं सीधे साधे मैम घर पे आया, अपने आकर घर पे आकर सो गया हूँ, तो मेरी क्या गलती है मैम उसमें, बता गलती है क्या मेरी। नार्को एनालिसिस टेस्ट में आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार का कंपाउंडर कृष्णा बेधड़क खुद को बेगुनाह बता रहा है, लेकिन नार्को एनालिसिस टेस्ट के आधार पर उस वक्त सीबीआई जांच टीम के प्रमुख अरुण कुमार कृष्णा को आरुषि हेमराज हत्याकांड का मुख्य आरोपी बता चुके हैं। ड्यूरिंग द नार्को एनालिसिस टेस्ट एंड व्हाट एवर ही हैज कन्फेस्ड बिफोर सीबीआई क्राइम, ही सेड that Hemraj had called and they had gathered in the room of Hemraj late in night. Krishna came first, he consumed alcohol, then Vijay Mandal came and Rajkumar came, they consumed alcohol and discussed about Arusi and they entered in the room of Arusi. She got up and tried to scream, she was gagged
एंड सी वाज फर्स्ट हिट बाय अ हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट। ये सीबीआई की थियोरी थी, लेकिन नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान कृष्णा डॉक्टर से कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, इसलिए वो कहीं नहीं भागेगा। मैं यहाँ से भागूंगा तो नहीं। क्यों? हाँ? क्यों? नहीं भागूंगा। अच्छा? क्यों भागूंगा? मैंने जुल्म नहीं किया है। जुल्म की अगर जुल्म किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं आता। मैं नार्को टेस्ट के दौरान जब कृष्णा से पूछा गया कि उससे आरोपों को अपने ऊपर लेने के लिए किसने कहा, तो कृष्णा ने आईजी साहब का नाम लिया। मैंने उस दिन उनको बोला था फर्स्ट टाइम में, जब उन्होंने बोला था मेरे को मेरे ऊपर सारा अपने ऊपर ले लो बोला था। किसने बोला था? आईजी साहब ने बोला था। कौन से लोकल का? हाँ, सीबीआई का या लोकल का? नहीं नहीं, 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 नहीं लोकल वाले अच्छे जानते हो। मैं सबसे मिला हूँ, मैं ऐसी बात नहीं, सबसे मिला हूँ। तो उन्होंने बोला कि तो सारा अपने ऊपर ले, तेरे को सजा हो जाएगी, सजा कम कर दी जाएगी, 17 साल की उम्र में तेरे को वहाँ पर रखा जाएगा, ऐसा बोला था उन्होंने। ये आईजी कुमार मारा नहीं वो। नींद की हालत में कृष्णा हर सवाल का जवाब दे रहा था। आईजी साहब का नाम लेने के बाद उसने डॉक्टर से कहा कि किसी को बताना मत। उनके समझे की बात करना प्लीज मैम। डरो मत। हेमराज को क्यों मारा? हेमराज को क्यों मारा? इसे मारा है। वो छोटा था मैम। क्या? छोटा था मैम वो। कौन? हेमराज। हेमराज? हाँ जी। किसने मारा उसको? किसने मारा उसको? किसने? डॉक्टर तलवार ने। हेमराज ने गलत करने को। क्या? हेमराज ने आकर गलत करने की कोशिश करी और उसको भी मार दिया। ये आपका स्टोरी है ना? आपने इमेजिन किया है ना? हेमराज ने कुछ बताया क्या? हेमराज ने कुछ बताया क्या आपको? नहीं 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 नहीं। पूरे नार्को टेस्ट के दौरान कृष्णा डॉक्टर के हर सवाल का जवाब भी देता रहा, खुद को बेगुनाह बताता रहा और आरुषि हेमराज के मर्डर पर अफसोस भी जताता रहा। तो एवरीथिंग इज प्लान, ये सारा ऐसे नहीं हुआ मैम। एक बेटे का कत्ल हुआ है, एक नौकर कत्ल हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है? आइए अब हम आपको नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं कि आखिर नार्को एनालिसिस टेस्ट होता क्या है। तो वर्ष 1916 में अमेरिका के डैलस में डॉक्टर रॉबर्ट अर्नेस्ट हाउस बच्चे की डिलीवरी का केस देखने के लिए एक दंपत्ति के घर गए थे। उन्होंने महिला के पति से दरअसल नवजात शिशु की लंबाई नापने के लिए स्केल मांगा। काफी ढूंढने के बाद भी ये स्केल नहीं मिला, तभी एनेस्थीसिया के असर से बेहोश पड़ी महिला ने बेहोशी की हालत में ही स्केल के बारे में बता दिया। ये देखकर डॉक्टर अर्नेस्ट हाउस हैरान रह गए। बेहोश महिला ने स्केल का पता कैसे बताया ये उन्हें समझ नहीं आया। इसी घटना से वो प्रेरित हुए, उन्होंने रिसर्च की, उसके नतीजों को साल 1922 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इस प्रकार साल 1922 में पहली बार नार्को टेस्ट का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया। इसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट अर्नेस्ट हाउस ने टैक्सस की जेल में दो कैदियों को एक दवा देकर उनसे पूछताछ की, तो दोनों ही कैदियों ने नींद की हालत में सब कुछ सच सच बता दिया। नार्को टेस्ट के लिए व्यक्ति को दवा देकर नींद की अवस्था में पहुंचा दिया जाता है। इस दौरान उसके दिमाग का तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ऐसे में व्यक्ति बातें बनाना और झूठ बोलना भूल जाता है। नार्को टेस्ट से भले ही पुलिस को आपराधिक घटनाओं को सुलझाने में मदद मिलने लगी थी, लेकिन शुरू से ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। यही वजह रही कि साल 1955 आते आते दुनिया के अनेक देशों की अदालतों ने नार्को टेस्ट की अनुमति देना बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद ये तकनीक दुनिया के अनेक देशों में अपनाई जाती है, लेकिन जहां पर भी नार्को टेस्ट मान्य है, आपको बता दें अदालत में सबूत के तौर पर नार्को टेस्ट को मान्यता प्राप्त नहीं है।
भारत में भी नाको टेस्ट को अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नाको टेस्ट मौलिक अधिकारों का हनन है, किसी भी व्यक्ति की इजाजत के बगैर उसका नाको टेस्ट नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला संविधान की धारा 20(3) के तहत दिया, जिसमें कहा गया कि किसी भी शख्स को खुद उसके ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने कहा अगर किसी शख्स से इजाजत लेकर ये टेस्ट किए जाते हैं तो इसके नतीजे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किए जा सकते हैं।